नाउ देखिए, आज जो है हम एक फेमस कवि हिंदुस्तान के, जब सोने की चिड़िया कहा जाता था उस समय के एक महाकवि जिनका नाम था कालिदास, उनके बारे में पढ़ेंगे कि आखिर कालिदास कौन थे, कैसे वो कालिदास बने और इसके पीछे कहानी क्या है। देखिए, कालिदास एक सुप्रसिद्ध महाकवि राजा विक्रमादित्य के दरबार में, लेकिन महाकवि और विद्वान बनने से पहले उनकी कहानी काफी रोचक थी, एक महामूर्ख से एक महाविद्वान बनने की कहानी। एक्चुअली एक राज्य था जिस राज्य में एक महाराणा, एक राजकुमारी थी जिसका नाम था विद्यो तमा। क्या नाम था? विद्योत्तमा। जैसे कि नाम से पता है विद्या ज्यादा होगा, नॉलेज ज्यादा होगा। अब इस राजकुमारी को इतना घमंड था कि मैं शादी उसी से करूंगी जो मेरे से ज्यादा विद्वान होगा, यानी मेरे शास्त्रार्थ में वो मेरे को अगर हरा देगा तब मैं उससे शादी करूं। बहुत बड़े बड़े विद्वान राज्य के आए और सबको मुंह की खानी पड़ी, हार गए, उनको आत्मग्लानी हुई और सभी विद्वानों ने मिलकर के ये तय किया कि इस राजकुमारी की शादी इस राज्य के सबसे बड़े मूर्ख से कराया जाए। सभी विद्वान सर्च करने लगे, सर्च करते करते रास्ते में वो जा रहे थे तो उन्होंने एक आदमी देखा जो जिस पेड़ की डाली पे बैठा था वो उसी को काट रहा था, जैसे इधर बैठा है और इधर वो काटे जा रहा। तो बताइए वो गिरेगा कि नहीं गिरेगा? नीचे गिरेगा ना। तो विद्वानों ने जब देखा इसको तो सोचा इससे बड़ा महामूर्ख इस राज्य में कोई नहीं मिलेगा, और अगर हम इस महामूर्ख की शादी उस राजकुमारी से करा दें तो हमारा बदला पूरा हो जाएगा। ठीक है, हर आदमी अपनी बेनिफिट सोचता है। ठीक है, अब हुआ क्या, उसको बुलाया गया नीचे। वो डर रहा था कि भाई ये अच्छे ड्रेस में है, मेरी ड्रेसिंग अच्छी नहीं है, मेरे को क्यों बुला रहे हैं। विद्वानों ने उसे बहला फुसला करके किसी तरीके से तय किया कि तुझे अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा कपड़ा मिलेगा, रहने के लिए बढ़िया वो मिलेगा, और सबसे बड़ी बात तेरी शादी ऐसी औरत यानी ऐसी दैट मींस लड़की से कराएंगे जो सबसे सुंदर है इस राज्य में। वो खुश हो गया और खुश होकर के राज्य दरबार में इसको पेश किया गया शास्त्रार्थ के लिए। लेकिन जितने भी विद्वान थे उन्होंने विद्योत्तमा के सामने एक शर्त रख दी कि ये बहुत ही बड़ा विद्वान है और ये मुंह से बोल करके प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं, ये सांकेतिक भाषा में देते हैं। राजकुमारी विद्योत्तमा ने बोला हमें क्या मतलब, सांकेतिक ही दे दो, विद्वान होना चाहिए मेरे से बड़ा। ठीक है, शास्त्रार्थ शुरू होता है। राजकुमारी पहला क्वेश्चन पूछती है कि ये क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछती है ये क्या है। उसके पूछने का मतलब ये होता है कि भगवान एक होता है या दो होता है। महामूर्ख सोचता है कि ये मेरी एक आंख फोड़ने की बात कर रही है। कहता अच्छा मेरी एक आंख फोड़ेगी, मैं तेरी दोनों फोड़ दूंगा। वो ऐसे करता है। तब तक विद्वान लोग बीच में कूद जाते हैं, कहते हैं राजकुमारी आपने पूछा भगवान एक होता है कि एक होता है या क्या। इसने जवाब दिया कि भगवान एक नहीं होता, दो होता है, आत्मा और परमात्मा। जबकि उसने क्या सोचा था आंखें फोड़ दूंगा। क्वेश्चन नंबर टू स्टार्ट होता है। रानी बोलती है क्या है, नहीं राजकुमारी जो होती है वो बोलती है क्या है, ऐसे हाथ करती है पांचों उंगली।
उसके कहने का मतलब होता है ये पंच तत्व होता है, इसे क्या बनता है। कालिदास सोचता है मेरे को झापड़ मारने की बात कर रही है, पता अच्छा लड़की होके मुझे झापड़ मारेगी, गंवार तो वैसे ही था वो, ठीक है। बोला मैं तेरे को घूसा मारूंगा, ऐसे उसने बोला घूसा। विद्वान लोग फिर बीच में कूद गए और उन्होंने बोला कि आपने पूछा पंच तत्व मिलकर के क्या बनता है, तो इसने बताया पंच तत्व मिलकर के एक शरीर बनता है। ये भी क्वेश्चन पार हो गया। तीसरा क्वेश्चन आया, उसने क्या किया, सात उंगलियां करी ऐसे, ये क्या है, ठीक है। अब रानी के पूछने का मतलब है कि पंच तत्व तो है, शांति और न्याय दो चीजें और चाहिए। उसने सोचा कि ये बोल रही है कि सात बार तेरे को प्रताड़ित करूंगी, ये करता है मैं नौ बार तेरे को प्रताड़ित करूं। पंडित लोग फिर बीच में कूद गए और कहते हैं महारानी पांच ये हो गए और दो आपने पूछा था वो, उसके बाद इसने बोला चित्त और अहंकार अगर शरीर में ना हो तो आदमी सफल हो जाए। फिर क्वेश्चन सही हो गया आंसर उसका, जबकि कुछ अलग ही हो रहा था। उसके बाद महारानी ने चौथा क्वेश्चन पूछा, उसने अपना जीव दिखाया, ये क्या होता है, ठीक है ऐसे। तो इसी तरीके से कालिदास जो था उसने अपना एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन दिया जिससे कि सभी प्रश्नों का उत्तर पंडितों के द्वारा ये प्रूफ कर दिया गया कि इन्होंने जो भी बोला वो सब सही। भाई शास्त्रार्थ में तो विद्योत्तमा हार गई, हारने के बाद अब उसकी शादी जो थी, शादी जो थी वो हो गई उसकी। अब शादी होने के बाद राजमहल में जाते ही मिलने के लिए, तो उस दौरान एक कहीं साइड में ऊंट, ऊंट बोल रहा हूं उसका, गधा नहीं ऊंट था, ऊंट था, तो कुछ बोल रहा था ऊंट बोल रहा था, तो उसने बोला जो विद्योत्तमा थी किम बदंती, तो उसने बोला उष्ट्र बदंती, जबकि ऊंट को उष्ट्र बोला जाता है संस्कृत में। वो पहली बात में ही समझ गई कि मेरे साथ छल कपट हुआ है और मेरी शादी सबसे बड़े मूर्ख से करा दी। सीधा उसको लात पड़ती है और सीधा उसको घर से बाहर कर दिया जाता है और कहा जाता है कि जब तक विद्वान नहीं बनना तब तक अपना चेहरा मुझे दिखा मत। भाई बड़ी आत्मगलानी उसको होती है, जा रहा होता है, रात का समय वैसे ही होता है, बारिश स्टार्ट हो जाती है और बारिश में ही जा रहा होता है, अब बारिश में जा रहा होता है, नदी उस पार उसको जाना होता है, नदी में कोई लाश बहा दिया होता है, वो सोचता है ये लकड़ी का टुकड़ा, ऐसे लाश को पकड़ के नदी के उस पार चला गया, नदी के उस पार चला गया, बारिश हो रही है, छुपने का जगह नहीं है, कपकपी हो रही थी। उसने देखा पास में कोई एक झोपड़ी सा, टूटा फूटा खंडहर सा था, दरवाजा बंद था, जाने का रास्ता था नहीं, एक बरसाती सांप ऊपर की तरफ चढ़ रहा था, ऊपर की तरफ चढ़ रहा था। उसने सोचा कोई रस्सी लटक रही है और वो रस्सी समझ के पकड़ के ऊपर चढ़ गया और जैसे ही ऊपर चढ़ा तब तक फन मारते हुए सांप जब दिखाया वो डर गया अचानक सा, मतलब हड़बड़ा गया, हड़बड़ाने के बाद सीधा गिरा किसके ऊपर, काली जी की एक मूर्ति बनी हुई थी, ठीक है मूर्ति थी पत्थर की पहले हुआ करती थी, उस पे सर के बल गिरा, उसका सर फूट गया और सर फूटने के बाद काली माता का जो वो था पत्थर था पूरा लाल लाल हो गया। अब काली माता ने सुना ये कौन सा विद्वान आ गया भाई और ये कौन सा भक्त आ गया, अभी तक पशुओं की बलि चढ़ाते थे, खुद की बलि चढ़ाने आ गया।
वो प्रकट हो गई तथा अस्तु। और वहां से वो काली का एक बहुत बड़ा भक्त बन गए और आगे चल करके उन्होंने बहुत सारी काव्यों की रचना करी। और एक महामूर्ख एक महाकवि के रूप में डेवलप हो गए, महाकवि के रूप में उनको जाना जाने लगा। इन्होंने अपनी विद्वता हासिल करने के बाद जब घर पहुंचे तो घर पहुंचने के बाद इन्होंने बोला सुंदरी दरवाजा खोलो, संस्कृत में बोला था, तो संस्कृत का लैंग्वेज सुनकर के अंदर बैठी विद्योत्तमा का लगा कि कोई विद्वान आया। और जैसे ही दरवाजा खोला देखा क्या कि उसका पति कालिदास और विद्वान बन चुका है। कालिदास ने अपना सबसे पहला गुरु अपनी पत्नी को माना और उनके दिए हुए वचनों के हिसाब से उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना करी, जिनमें से कुछ ये दिया गया है, रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतु संहार, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम वर्ष्य, ये कुछ दैट मीन्स कॉल्ड रचनाएं हैं जो उनके द्वारा लिखी गई। उनकी रचनाएं आज भी बहुत फेमस है, बहुत सारे लोग इस पे PhD कर चुके हैं और बहुत सारे लोग इसको पढ़ते भी हैं, जो एक इंडिकेशन देता है कि एक महामूर्ख एक महाज्ञानी कैसे बन गया। उन सब चीजों को ये रिप्रेजेंट करता है और दिखाता है। कुमार संभवम रघुवंशम महाकाव्य है, खंड काव्य में मेघदूतम, ऋतु संहारम और उसी तरीके से रूपक में बहुत सारी चीजें हैं। तो हम कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि महाकवि कालिदास विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में शामिल थे, जिनके पास अपूर्ण ज्ञान था और पूरी तरीके से संस्कृत के लैंग्वेज में डेट मीन्स कॉल इनको परिपक्व माना जाता। इनका ऐसा माना जाता था कि विक्रमादित्य का दरबार उज्जैन में ठीक है, जो जो कि आज के डेट में कौन सा पता नहीं राज्य है वहां पे है ठीक है, लेकिन इनकी शैली ऐसी लगती है कि इनका जन्म जो है बोध गया के आसपास, बिहार के आसपास हुआ था, बट एक्चुअली कहीं भी किसी चीज में ये प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा हुआ है ठीक है। इसे साबित होता है कि अगर आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है, एनीथिंग मे बी पॉसिबल। ऐसी कहानी एक जगह और भी हुई थी, उस कहानी को मैंने खुद देखा है ठीक है। एक पर्सन था जो कि काफी ज्यादा, मतलब एक तरह से समझ लो कि कोई नॉलेज नहीं था, पागल ही था। वो थोड़ा बड़े घर का था, तो गांव में एक बिचौलिया होते जो शादी कराते। वो शादी कराने वाला जाकर लड़की वाले के यहाँ बोल दिया कि बहुत ही टैलेंटेड है, अच्छा है ठीक है, घर परिवार ठीक है, बाहर रहता है। वो लोग आए लड़की वाले और घर परिवार देखा तो भाई घर तो अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब शादी से पहले गांव में तिलक होता है तो तिलक वाले दिन जब लोग आ रहे थे तो कुछ लोग मछली पकड़ रहे थे। उन्होंने पूछा भाई, उनसे पूछा कि भाई इनके घर कहाँ है, तो उन्होंने बोला क्या बात हो गई, क्या हो गया, बोला नहीं उनका एक लड़का है, उसकी शादी है। तो किसी ने उसी ने बोला अच्छा उस गधे की शादी है, वो तो पागल है। अब हुआ क्या कि गए तिलक उलक चढ़ाया, होता क्या है कि भूमिहार में एक कहानी होती है कि अगर एक बार शादी तय हो गई तो टूटता नहीं ठीक है। और दूसरा जब बारात लेकर के गए लोग, बारात लेकर के गए तो बारात वाले दिन कुंडी में बंद करके बारातियों की पिटाई हुई थी, केवल इसलिए कि तुमने झूठ भर के शादी क्यों करी ठीक है। इसलिए हमेशा सच्चाई का साथ दीजिए और सच्चाई के साथ रहिए। महाकवि कालिदास का जीवनी हमें यही